के अल्पसंख्यक मोर्चा का संकल्प सभा का हुआ आयोजन। देवघर कॉलेज स्थित चंद्रशेखर भवन में झाबुआ की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चा की संकल्प सभा का आयोजन किया गया। संकल्प सभा में लोकसभा चुनाव की तैयारी व पार्टी की दावेदारी पर जोर दिया गया। सभा में पहुंचे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के समक्ष कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में गोड्डा संसदीय क्षेत्र से झाबुआ की दावेदारी पेश करते हुए प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग की। बाबूलाल ने इस मसले पर गठबंधन से विचार होने के बाद कोई फैसले लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश व देश में बुरी स्थिति बनी हुई है। भाजपा ने देश की एकता व अखंडता को बांटने का काम किया है। देश की जनता को आज सबसे अधिक खतरा भाजपा से है। ऐसे में हमें एकजुट रहने की जरूरत है। आगे वह कहते हैं, झाबुआ व प्रदीप यादव हमेशा लोगों की समस्या को लेकर खड़े हैं व उनके लिए लड़ाई लड़ी। भाजपा के साथ विधानसभा से लोकसभा तक आंख से आंख मिलाकर लड़ने वाली पार्टी झाबुआ ही है। भाजपा का कोई स्तर नहीं। हर राज्य में अलग अलग बात का जनता को बरगला रही है। लोग कहते हैं रावण के 10 सिर थे, लेकिन भाजपा के कितने सिर हैं उन्हें ही नहीं पता। जात पात के नाम पर बरगला कर व झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। देश को लूटने के लिए सरकार की कंपनी छोड़कर कॉरपोरेट घराने को काम दिया जा रहा है। सभा के दौरान पार्टी महासचिव प्रदीप यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव तथा 2019 की तैयारी को लेकर यह अल्पसंख्यक मोर्चा की एक संकल्प सभा है, ताकि नेताओं को यह मालूम हो कि गोड्डा लोकसभा की जनता एकजुट है। इनके बहकावे में आकर हिंदू मुस्लिम नहीं बांटने वाले। अगले चुनाव में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लोग झाबुआ के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में रांची के इंतजार अली को नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मारने की साजिश में आतंकवादी बताकर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसे विधानसभा में उठाया जाता था। इंतजार अली को न्याय दिलाया गया। केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सबा अहमद ने भी गोड्डा लोकसभा से झाबुआ को मजबूत बनाने की बात कही। अपने शब्द होते हैं, लोगों अपने अपने वाक्य होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, बस उन तरीकों से और आगे भी कैसा माहौल है इस लोकसभा में, क्योंकि हम लोकसभा को ध्यान में रख करके विधानसभा को ध्यान में रख के इस मजलिस को हम सबों ने बुलाया है। तो बस इतनी ही बात आपको कह रही है जिनको बुलाया जाए, उससे आगे नहीं कि भाई रघुवर ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, वो सब तो बाबूलाल जी बताएंगे, वो आपको नहीं बतानी। क्या गलत कह रहे थे? आपको इतनी बात बतानी है कि हम क्या करेंगे 2019 में, इतनी ही बात आपको बतानी। हमारा इलाका क्या करेगा, हमारा मेहरबान क्या करेगा, हमारा मरगो मुंडा क्या करेगा, बस इतनी बात। उससे आगे सब बात बाबूलाल जी, डॉक्टर तमाम साहब, बचा खुचा हम भी बताएं, और किसी नेता को ऐसा बात नहीं बोला, केवल बस चाहे वो सहीम साहब हो चाहे रहीम साहब, सबके लिए ये बैंड है और बड़ी सख्ती से बैंड है, क्योंकि आप फिर इनको नहीं सुन पाइएगा। इसीलिए इनको अगर सुनना है, आरणी बाबूलाल जी को सुनना है, तो आपसे मेरा गलती होगा, अर्थ होगा, इसीलिए हम बीच में खड़े हो गए हैं। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि माइक उनके हाथ पता मैंने जान के लिया है। बस कम कम शब्दों में अपने वातावरण की वह अभी क्या है और आगे कैसा रहेगा, अभी अगर हवा है तो वो आंधी में कैसे हम बदलेंगे, इतनी बात हमें कहनी है। बस कोई किला फतह होगा, जंग जीतेंगे, कम ही छाप लहरेगा, एक एक घरों में जाकर लहरेगा, इतनी ही बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।